कितनी सारी बातें होती है ना जिनका शायद हम जिक्र भी ना कर पाए, और आज के टाइम पे किसी के पास समय कहाँ। लेकिन आप फिक्र ना करें, क्योंकि हम लेकर आए हैं ऑल टाइम आपका फेवरेट शो, आओ बातें करें। बातें जो है आपके और मेरे दिल के बेहद करीब। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें करने के लिए जुड़िए हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में। तो कॉल करने के लिए नंबर डायल करें 01724784401। राम राम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं हरियाणा बीट्स। और हरियाणा बीट्स पर हम लेकर आए हैं आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम जिसका नाम है आओ बातें करें। इसमें करते हैं हम ढेर सारी बातें, और आज मेरे साथ मेरे दोस्त संजय भी हैं। तो संजय बहुत दिनों बाद आए हैं, थैंक यू सो मच संजय। बिल्कुल, थैंक यू गौरव, और हरियाणा बीट्स देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार, क्योंकि बहुत लंबे टाइम आपसे मिलने का मौका मिला है। एक लंबा टाइम, मैं सच्ची बताऊं, मैंने आपको इतना मिस किया, हमारे दर्शकों को, इतनी सारी जो कॉल्स आती थी, छोटे छोटे बच्चों की कॉल आती थी, तो मैं घर बैठ के बहुत मिस करता था अपने दर्शकों को, अपने व्यूवर्स को, क्योंकि इतना प्यार हमें मिलता रहता है, और डेली हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे जो दर्शकों को एंटरटेन करते रहे। तो इस छुट्टी के दौरान कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे बहुत से दर्शकों ने भी मिस किया होगा, तो कोशिश करेंगे कि फिर से हमारे दर्शकों को जो सारी जो चीजें जो छूट गई थी, तो वो सारी भरपाई हो जाए और अच्छे से हम अपने दर्शकों को एंटरटेन कर पाए। चलिए, तो मैं चाहूंगा कि गौरव आज हमारे दर्शकों को आज का जो टॉपिक बताइए जिसके जरिए हम अपने दर्शकों से जुड़ पाए। चलो, मैं सोच रहा था कि आज अभी संजय आए हैं, घूम कर आए हैं, तो मुझे लगा घर गए हैं। यार इतने दिनों बाद घर से आते हो ना, बंदा बड़ा अजीब सा फील होता है ना, नॉस्टैल्जिक सा हो जाता है यार। घर से आने के बाद ना एक दो दिन बंदे को ना टाइम लगता है यहाँ पर एडजस्ट होने में, तो मुझे लगा क्यों ना आज घूमने का टॉपिक ले लें हम, है ना। बिल्कुल, तो आप आज मेरे साथ शेयर करें कि आपको घूमना कितना पसंद है और ऐसी कौन सी जगह है जो आपकी बड़ी फेवरेट है, है ना। तो संजय, आपकी फेवरेट जगह सबसे पहले बता दे हमें कौन सी है। देखो, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ जो गौरव घर से बाहर रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स है या फिर जो बाहर काम करते हैं हमारी तरह, तो उनकी तो फेवरेट जगह यही रहती है कि छुट्टी मिले और भाई घर ही चले जाएं। हाँ, क्योंकि घर पे गांव में या फिर शहर में जहाँ पर आप रहते हो, तो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम व्यतीत करना, घूमना फिरना, और खासकर खाने पीने के जो शौकीन होते हो, खाने पीने की भाई बहुत सारी चीजें बिल्कुल शौकीन है। और मैं सच्ची बताऊं, मैं घर पर रहा इतने दिन, तो मैंने खूब जी भरकर अच्छे अच्छे पकवान मैंने खाए, मम्मी ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए, और इतना मजा किया, बहुत मतलब फन हुआ, और इतना सारा, सच्ची बताऊं तो आने का मन भी नहीं कर रहा था, बट क्या करें। अभी आप कह रहे थे मैं मिस कर रहा था। मिस कर रहा था, देखो पता है क्या होता है, घर पे रहते तो इंसान, जब कहते ना कि अगर डेली अगर आप मावा भी खाओगे ना, आई वाज किडिंग, मैं समझ सकता हूं, खाएगा तब भी इंसान बोर हो जाता नहीं, ऐसा होता है। हां, चेंजेस, बदलाव ये जरूरी भी होते हैं, और इंसान मिस भी करता है डेली। एक तरह का खाना हम चाहे कितना ही अच्छा हो, नहीं खा सकते। तो इसी तरह हमारे दर्शकों को मैं मिस कर रहा था, यहाँ था तब मैं घर को मिस कर रहा था, अब यहाँ आ गया हूँ तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ घर पे। एक बार ये भी होता है कि जैसे ही हम घर से लौटते हैं या घर से हम लोग आते हैं, तो हमें ना थोड़ा टाइम ऐसे एडजस्ट होने में हर जगह पे लगता है। हमें लगता है कि यार चलो एक दो दिन थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील करता है बंदे को, घर की याद आती है, बट धीरे धीरे जैसे टाइम व्यतीत होता है हम लोग बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन चलो, घूमना इसके अलावा आपको कहाँ घूमना पसंद है, घर के अलावा? इसके अलावा, घर के अलावा जो मुझे सच्ची बताऊं तो, जैसे मैं मतलब चंडीगढ़, एक सपना मेरा रहता था कि मैं चंडीगढ़, इतना जो खुला शहर है, ओपन सिटी है, यहाँ पर आऊं, यहाँ पर घूमूं, बट अब काफी टाइम से यहीं पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अब तो मन भर गया, बट फिर भी मतलब यह रहता था कि चंडीगढ़ घूमें, चंडीगढ़ घूमें। आपका फेवरेट प्लेस, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि आपको चंडीगढ़ अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, आप भी हमें बताएं आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है। और फिलहाल एक कॉलर है, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं सर प्रिंस। प्रिंस, ओके प्रिंस, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। क्या करते हैं आप? हम सर पढ़ते हैं। पढ़ते हो, ओके प्रिंस, कौन सी क्लास में हैं आप? और कहाँ से बात कर रहे हैं हमारे साथ? हाँ जी, किस शहर से बात कर रहे हैं, कौन सी सिटी से बात कर रहे हैं? क्या सर? कौन से शहर से बात कर रहे हैं हम? जी हेलो, लगता है इनका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। तो मैं दोस्तों आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप हमारे साथ जुड़े तो प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम जो है कम कर लें, टीवी की आवाज कम कर दें या उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, ताकि हमारी वॉइस जो है वो बिल्कुल क्लियर आपके तक आ सके, है ना। बिल्कुल गौरव, हम बार बार हमारे दर्शकों से जैसे बोलते भी रहते हैं, क्योंकि जब भी आप हमें कॉल करते हैं अगर पीछे ज्यादा डिस्टर्बेंस रहता है, टीवी की वॉल्यूम आती है, तो आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, और न ही हम अपनी आवाज आपसे जो कहना चाहते वो आप भी नहीं अच्छे से सुन पाते। बिल्कुल, कोशिश कीजिए कॉल करें तो उस वक्त टीवी का कॉलर इनसे जरा बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो, हेलो,
लगता है इनका वॉल्यूम फिर से नहीं आ रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज भी हो जाते हैं कई बार। तो आप जब भी हमारे साथ जुड़े गाइस, एक तो प्रॉपर रेंज में आकर जुड़े ताकि हम आपके साथ बात कर सके। हेलो, आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अरे चलिए कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं जब भी, तो प्लीज बार बार हम जैसे कह रहे हैं ना, हम अभी भी बता रहे थे कि प्लीज अपना उस, चलिए हम मुद्दे पे आ जाते हैं। और बात यह है कि घूमना हर इंसान को अच्छा लगता है, और इन्होंने बताया कि इनको चंडीगढ़ सबसे अच्छा प्लेस रहता है इनके लिए, है ना। तो लेकिन जब आप गाँव जाते हो, अपने घर जाते हो, तो आई गेस कि वहाँ का माहौल अच्छा हो जाता है, तो सबसे ज्यादा जाने के बाद सबसे पहले क्या करते हो? देखिए, घर पे जाते हैं तो सबसे पहले तो सोचते हैं कि चलो पहले तो जैसे शाम होती है तो दोस्तों से क्यों ना मिला जाए, उनके साथ बैठकर गप्पे लड़ाए जाएं, क्या कुछ चल रहा है। अच्छा, अभी भी गप्पे लड़ाने का टाइम है? बिल्कुल बिल्कुल, गांव में जाके तो ये सब चीजें होती ही हैं मोस्टली, और याद भी करते हैं। और खासकर जो जिस तरह से कहते हैं कि टोल होता है गाँव में, तो बगियों पे बैठ के बातें करते हैं, यार फलानी फिलहाल एक कॉलर है, जरा उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, कौन बात कर रहे हैं? नमस्कार भाई सर। नमस्कार जी, आपका नाम बताएंगे प्लीज? अंकुश नाम है भाई सर। ओके, कहाँ से बात कर रहे हैं जी आप? हम रोहतक से बात कर रहे हैं भाई सर। ओके, रोहतक से बात कर रहे हो। ओके अंक, क्या करते हैं आप? हम जी पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? क्या अंकल, कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? मैं 8th क्लास में। 8th क्लास में पढ़ते हो। ओके, जल्दी से मुझे ये बता दो कि आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है, और आप कहाँ घूमना पसंद करते हैं? कहीं पे भी जा सकते हो? नहीं, फिर भी कोई होता है ना, एक बंदे की एक आप बीमारी फैली हुई है, फिर आप कैसे जा सकते हैं? अब नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ, जब भी, चलो अब तो कोरोना है, COVID-19 है, लेकिन उससे पहले आपको घूमने में क्या पसंद था, कहाँ घूमना सबसे ज्यादा अच्छा लगता था आपको? मैं तो मुंबई जाना पसंद करता, शिमला में भी। ओके, तो सब जगह देखी हुई है आपने? क्या अंकल, सब जगह घूमे हुए हो आप? अंकल ओके okay, यार भाई बोले यार अंकल बोलो स्टार्टिंग में भाई बोल रहे थे, हाँ। पर पता नहीं अचानक से कहां से क्या आत्मा, कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन। एंड आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर भी अच्छा लगा, आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है अंकल, ठीक है, लास्ट में अंकल कह रहा नालायक। तो अंकुश से बात कर रहे थे, हाँ। रोहतक से, जो कि देखो स्टार्टिंग में भाई साहब कह रहे थे, बट पता नहीं कहाँ से भाई साहब भी बड़ा अजीब लग रहा था। हाँ, नहीं होते हैं हरियाणा की, पता क्या, देखो मतलब शरारत हाँ। करने में हमेशा नंबर वन ही रहते हैं हमें दूसरों को ऐसे कहने में बड़ा मजा आता है, और टीज करने में छेड़ने में बड़ा मजा आता है। कोई बात नहीं, प्यार अच्छा लगता है कि जब भी हमारे दर्शक कॉल करते हैं, हमारे अपनी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं, और उन्होंने बताया अंकुश को कि मुंबई और शिमला घूमना पसंद है। बट अब किसी एक कॉलर और हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस कहाँ से बात कर रहे हो प्रिंस? रोहतक से। अच्छा रोहतक से, आज सारे कॉलर रोहतक से। अच्छा प्रिंस, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सिक्स्थ क्लास में। यस सर। अच्छा और बताओ प्रिंस, कौन कौन आपके घर में? हमारे घर में सर सब हैं। सब हैं, कौन कौन? सब में कौन कौन? माता पिता, ताई, ताऊ, ताऊ, सब हैं सर। अरे वाह, मतलब ज्वाइंट फैमिली आपकी है। यस सर। अच्छा तो प्रिंस बताओ कि आपको कहाँ पर घूमना सबसे ज्यादा पसंद है? सर मैं कहीं पे भी। कहीं पर भी, जैसे मतलब कोई जगह, कोई खास, कोई शहर? सर राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, इस तरह से कोई जगह पसंद है आपको? अच्छा आगरा पसंद है। यस सर। गए हो कभी वहाँ पर? क्या सर, गए हो कभी वहाँ पर प्रिंस घूमने? नो सर। चलो कोई बात नहीं प्रिंस, और जैसे ये लॉकडाउन वगैरह ये चीजें सारी कोरोना से निकलते और स्टार्ट होता है घूमना फिरना, तो जरूर घूम के आइएगा आपकी बार, ठीक है? हाँ, चलिए बड़ा, मैं संजय को कहूंगा कि ट्रिप ये ऑर्गेनाइज करेंगे तुम्हारे लिए। बिल्कुल प्रिंस, हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से कुछ एक नया चीज लेकर आए कि हम हमारे दर्शकों को कहीं ना कहीं एक ट्रिप ऑफर करें किसी प्रोग्राम के माध्यम से। चलिए अच्छा लगा प्रिंस आपसे बात करके, थैंक यू। तो चलिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे जहन में होता है कि यार वो जगह अच्छी है और मुझे जाना है, चाहे हम गए हों या ना हो। जैसे अभी प्रिंस ने बताया कि उन्हें आगरा अच्छा लगता है, वो हालांकि वहां गए नहीं है ना, टीवी में देखा होता है या किसी से सुना होता है। तो आपके भी ऐसे कुछ ड्रीम्स हैं, कोई ऐसी जगह जहां पर आप जाना चाहते हो?
बिल्कुल, देखो हर किसी, देखो इंडिया तो देखो मैं काफी घूम चुका हूँ, बट ये मैं ऑलमोस्ट मतलब सारा बोर घूम में, चुके हो है? मतलब जो मैं प्लेसेस हैं इंडिया में काफी घूमा, ओके, बट एक अब चाहता हूँ कि थोड़ा सा इंडिया से बाहर निकलूँ और भी काफी सारे जो जगह हैं, चाहे मींस वो यूरोप से पाकिस्तान जाना चाहते पाकिस्तान भी जाना चाहेंगे। मैंने सुना कि इस्लामाबाद और काफी लाहौर नहीं, के काफी काफी अच्छी चीजें हैं चीज़ें देखने घूमने की, पाकिस्तान भी जाना चाहेंगे। ओके, और फिलहाल एक रुकना चाहूंगा, आपको जी माफी जी दीजिएगा, एक कॉलर है, इनसे बात कर बिल्कुल, लेते हैं। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल, क्या बात, क्या काम करते आज हैं? तो पीछे पड़ गए सारे। क्या नाम है हेलो, आपका? अंकित नाम, अंकुश। अंकित, अच्छा अंकुश के भाई हो तुम? अंकित नाम है, अंकुश के भाई हो? अंकित के भाई हो। ओके, जब ही अंकल अंकल लगा रखी तुम सबने। हाँ, रोहतक से बात कर रहे हो? हेलो, रोहतक से बात कर रहे हो? रोहतक से बात कर रहे अंकल। अच्छा अंकल, ऐसा है अंकल कि अभी हम यार दोनों की शादियां नहीं हुई है या, अंकल मतलब मत ये हो यार, अजीब सा हमारे फील हो दर्शकों ने ऐसे बना लिया कि भाई इन दोनों की शादी नहीं होने देनी। रहा है। चलिए तो आप मुझे ये बताएं अंकित कि कहाँ घूमना अच्छा लगता है आपको? हेलो हेलो, हेलो, मैं तो बोल रहा हूँ। अच्छा चलिए, और भी बहुत सारे लोग लगते हैं, ओके एक काम करो, दो चार को और बुला लो, सभी को बुला लो, मिल के बात करेंगे आराम से। सारा मोहल्ला बैठ जाएगा, दैट वुड बी गुड। चलिए एनीवेज, इनका कॉल आई थिंक ड्रॉप हो गया है, तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहें तो जल्दी से अपना फोन उठाएं और नंबर घुमाएं और हमें बताएं कि आपका फेवरेट प्लेस कौन सा, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप घूमना चाहते हैं या फिर आप घूम कर आए हैं और आपकी जगह वो फेवरेट बन गई है। तो हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि मैं बाहर घूमना चाहता हूँ, कोई ऐसी सिटी कंट्री जहां आप जाने के इच्छुक हैं? बिल्कुल, देखो मैं चाहता हूँ कि जो यूरोप का मैंने काफी जो यार स्टैंडर्ड है वहां पर, वहाँ की जो लोगों की लाइफ स्टाइल है उसको करीब से मैं देखना चाहता हूँ, चाहता हूँ कि कैसे वो जीते हैं, और खासकर क्योंकि जो हम टीवीज में फिल्मों में देखते रहते हैं कि वहाँ की जो लाइफ स्टाइल बड़ी ही जो ग्लैमर होता है, बड़ी ही एक अच्छा, क्या देखना, मतलब ग्लैमर से क्या मतलब है तुम्हारा? ग्लैमर मतलब बड़े ही ओपन लोग रहते हैं, इतने अच्छे अच्छे बीचेज होते हैं वहां पर, समुद्र के किनारे, मतलब बहुत सारी जो वहाँ का खासकर जो स्टैंडर्ड होता है वो सारी चीजें करीब से देखना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। यानी कि यार ये बंदा चाह रहा है कि इसको ना दिन की छुट्टी दे दी जाए, है ना? फिलहाल बिल्कुल। एक कॉलर और है, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मोना बात कर रही हूँ। हाय मोना, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई एम फाइन एंड यू? आई एम आल्सो फाइन, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मोना व्हाट यू डू, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रही हूँ, सेल्फ स्टडी। ओके, सेल्फ स्टडी, कौन सी क्लास में है? अब मैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल। ओके, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर, ओके, ये बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं यार, मुझे इतना बड़ा समझ डर नहीं लगता है, ऐसे लोगों से बड़ा डर लगता है। और एनीवेज, वेयर आर यू फ्रॉम मोना, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जुलाना के पास करेला गांव से बात कर रही हूँ। ओके, जलाना के पास, ओके चलो, ये भाई के आसपास का गांव है लगता है, शर्मा गया हमारा करेला से बात okay, कर रहे हैं। अच्छा करेला इज योर, यार बिल्कुल मेरे गांव से फोन आया तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मोना एक चीज जानना चाहूंगा मैं आपसे जी, एक चीज मुझे बता दीजिएगा आप प्लीज कि जी, एक चीज जानना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे ना हम जब भी खाना खाते हैं, यहाँ पे लंच करते हैं या कुछ करते हैं, तो जैसे ही करेले की सब्जी आती है ना तो हमारा भाई खाना नहीं खाता है, कहता आई डोंट लाइक करेलास एंड ऑल। तुम्हारे गांव में ऐसा है कि तुम लोग खाना नहीं खाते, करेला नहीं खाते? आई थिंक यहाँ पे बनता नहीं करेला कभी। अच्छा कभी भी नहीं खाया, ये मुझे बता, अभी हम अभी एक मिनट पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे और ये मुझे बता रहे थे कि जब जैसे ही आए तो हम वी वर डिस्कसिंग कि क्या लाए क्या खाया एंड ऑल, तो हमारी बात हुई तो ये कह रहे कि मेरे फादर्स फोर फादर्स हमारे कभी भी किसी ने करेला नहीं खाया है, क्योंकि बिकॉज इनके गांव का नाम करेला है। तो आपके भी पेरेंट्स ने कभी नहीं खाया क्या? आई थिंक नहीं खाया होगा। आपने भी नहीं खाया? नहीं मैंने तो खाया है। आपने खाया? ओह माय गॉडनेस, देख लो, ये कह रहा कि हमारे गाँव में रीत है कि कोई खाएगा नहीं। ही इज फ्रॉम योर विलेज, आपको पता है ये आपके गाँव से है? पता है, देखा है इनको कभी वहाँ? क्या जी? इनको कभी देखा है वहाँ पर? बहुत अच्छे से देखा। बहुत अच्छे से देखा। ओह माय गॉडनेस, चलो यार, गांव छोटा सा होता है ना तो इंसान जानता होता है एक बिल्कुल, दूसरे को। बिल्कुल जानते होते okay, हैं। चलिए, काफी करीबी हैं। हाँ जी, काफी करीबी हैं। ओके, भाई तो नहीं है ना आपका? नहीं नहीं। ओके चलिए, अच्छा लगा आप, चलो अब हम बात कर रहे थे और स्माइल भी कर रहा है, हम प्लेसेस के बारे में, आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है? वैसे तो मुझे जयपुर घूमना पसंद है, बट मुझे मेरे हस्बैंड के साथ घूमना बहुत पसंद है, मतलब वो कहीं भी जाए बट उनके साथ घूमना पसंद है। ओके, जहाँ भी वो जाएंगे तो आपको लेकर जाएंगे, तो दैट वुड बी गुड। हाँ बिल्कुल, हम भी उनसे आग्रह करते हैं कि वो आपको ऐसे जयपुर वगैरह जाओ, आपका फेवरेट प्लेस है वहाँ पर घुमा कर लेकर आए,
और करेला आपका बिल्कुल छुटवाए, हम भी चाहेंगे कि आपके हस्बैंड ये चाहेंगे कि करेला बिल्कुल मत खाओ। बिल्कुल, आई थिंक ये करेला में शादी हुई है ना, तो इस करके इन्होंने करेला खाया है। ओके, अदरवाइज यू आर मैरिड इन करेला। या तो बता रहे ना ये। ओके, तो आपकी शादी उस गांव में हुई है? ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर एंड आई विश कि आपको भी अच्छा लगा होगा हमारी बकबक सुनकर, और आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा हरियाणा बीट्स। बिल्कुल, गांव में आएंगे तो आपसे मिलेंगे मोना। हाँ, करेले लेकर आएंगे। बिल्कुल, करेले तो नहीं लेकर आएंगे बट मिलेंगे जरूर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये देखिए जिंदगी जो है ना, लाइफ बड़ी छोटी है ना, यहाँ इतफाक बहुत होते हैं। एक एक हम अभी बात कर रहे थे आपके गांव के बारे में, हम अभी इनके गांव के बारे में बात कर रहे थे, अभी फोन भी आया, इनके गांव से आया और वही सेम उसी टॉपिक पे बात हो गई। तो ये ऐसे से कभी हो जाता है इंसिडेंट्स। बिल्कुल, और जैसे करेला के बारे में आई थिंक जो बहुत सारे दर्शक हैं उनको भी पता चला हो कि इस तरह कोई गांव भी है हरियाणा में, ऐसा गांव हरियाणा में गांव है और वहाँ के लोग करेला नहीं खाते, वहाँ के लोग करेला नहीं खाते, तो बड़ी अच्छी बात। फिलहाल एक कॉलर और है आपके लिए। हेलो, हेलो, हाँ जी नमस्कार, नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? जी नाम, हेलो, हाँ जी सर, कोई गलत सवाल कर दिया क्या मैंने? नाम क्या सर आपका? क्या सर? नाम सर, नाम, अपना नाम बताएं। नाम? हाँ जी, मेरा नाम रजत है सर। रजत, कहाँ से बात कर रहे हो रजत? नारनौंद से। नारनौंद से रजत, अच्छा बताओ रजत क्या करते हो आप? स्कूल में पढ़ता हूँ सर। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो रजत आप? अच्छा, नाइन्थ क्लास में पढ़ते हो। अच्छा तो रजत बताओ कि आपकी कौन सी फेवरेट प्लेस है, आपकी कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद है, घूमना पसंद करते हो आप, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसी जगह है? हेलो रजत। हाँ सर। हाँ तो कौन सी जगह पसंद है रजत आपको? सर मेरे को तो हाँ नारनौंदी पसंद है। नहीं सर। और क्या, कौन सी जगह पसंद है? दिल्ली में घूमना पसंद है मेरे को तो। अच्छा, दिल्ली में कौन सी कोई खास जगह, लाल किला ऐसे या फिर अक्षरधाम, कौन सी जगह पसंद है आपको दिल्ली में? लोटस टेंपल। हैं? लोटस टेंपल सर। कौन सा सेंटर बता रहे हैं? आई एम नॉट गेटिंग। ओके ओके, समझ अच्छा, नहीं आ रहा। चलिए अच्छा रजत, रजत अच्छा, आपकी ना साउंड हमें क्लियर नहीं आ रही, एक्चुअली आपने ना टीवी का वॉल्यूम, बिल्कुल टीवी का वॉल्यूम कम कर दें अपने। बिल्कुल रजत, थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि आप जो कहना चाहते हैं हम सुन पाए और हमारे दर्शक भी सुन पाए। आपकी कौन सी फेवरेट जगह है? चलिए अच्छी बात है रजत, लेकिन हाँ इस वक्त हम कहना चाहेंगे आप दिल्ली मत जाइएगा घूमने, क्योंकि वहां पर आपको पता ही है कि इतने सारे केसेस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप टाल दीजिए अगर कोई दौरा अगर आपका दिल्ली का है तो। ठीक है, चलिए अच्छा लगा रजत आपसे बात करके, थैंक यू। तो चलिए हम बात कर रहे थे बाहर जाने, अभी दिल्ली तो सीरियसली यार है ना, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। भी अभी दिल्ली जाना था बट आई वाज स्किप माय प्लान, मुझे लगा कि नहीं बिल्कुल गौरव मत जाएगा क्योंकि अगर आप चले गए तो फिर हम भी खतरे में आ जाएंगे। और मुझे मिलना है भाई से। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मिलूंगा क्योंकि मुझे सच में, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इस साल के एंड में शादी वादी कर लूँ, तो प्लीज थोड़ा सा आप थोड़ा सा, मैं चाहूंगा कि सुरक्षित रहूं, कि कहते हैं कि मरे भी तो शादी करके ही मरे कम से कम। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं भाई की ख्वाहिश बिल्कुल नहीं मरना, पूरी कर दे। और मैं चाहता हूं कि इसको जो वाइफ मिले उसको तो बिल्कुल भी कोरोना ना हो, बिल्कुल ना हो, और दिल्ली के आसपास की मिले भी ना। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं चाहूंगा कि आसपास रोहतक वोहतक की हो तो अच्छा। अच्छा ये बताना चाह रहे हैं कि कहां कहां इनकी बातें चल रही है? हाँ बिल्कुल बताओ ना, चाहिए नहीं, अच्छी बात है। आई विश की, मैं भी चाहता हूँ कि भाई की जल्दी से शादी हो जाए। और हम कर रहे थे बात घूमने पे, और चलो आप भी मतलब बता दो गौरव की आपको कौन सी जगह पसंद है, ऐसे कोई खास जगह? देखिए ऐसे कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है मेरा भी कोई फेवरेट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे भी आप कई बार जाते हैं ना, मूड पे डिपेंड करता है हर चीज, मेरे को लगता है इंसान के मूड पे डिपेंड करती है। कई बार हम बहुत अच्छी जगह पर होते हैं लेकिन हमारा मूड ऑफ होता है तो हमें वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और कई बार हम घर के एक बंद कमरे में बैठे होते हैं ना और फोन पे ही हमारा दिल लग जाता है। और फिलहाल एक कॉलर इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? गौरव, गौरव गौरव बात कर रहे हो? हाँ, ओके से। ओके गौरव, क्या करते हैं आप? आप कैसे हैं? हम बढ़िया मजे में। क्या करते हैं आप? दीदी टीवी से। आप काम क्या करते हैं? कौन सी क्लास, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं गौरव आप? हाँ? कौन सी क्लास में पढ़ते हो गौरव आप? अभी तो छोटा ही हूँ, अभी तो नहीं पढ़ू।
अरे पढ़ते तो हो गए नहीं अभी वो कह रहा घर स्कूल नहीं जाता अभी मैं। अच्छा अभी घर पे ही रहते हो? हाँ और गौरव मैं थोड़ा सा बिल्कुल मुझे एक चीज आपकी बुरी लगी और आई थिंक हमारे दर्शकों को भी नहीं पता होगा ये चीज कि आपने थोड़ा सा झूठ बोला अपने फेवरेट प्लेस के बारे में क्योंकि आप हमारे दर्शकों से छुपा रहे हैं कि आपको बैंकॉक जाना बहुत पसंद है। अच्छा, और अक्सर आप जाते रहते हैं और आपने मुझे कई बार बताया भी है। अगर आप तो ये बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है गौरव आपकी, बिल्कुल स्पॉन्सर कर दोगे तो आई कैन गो एनीवेयर, आप मुझे जहाँ भी कहोगे श्रीलंका पाकिस्तान कहीं भी कहोगे मैं चला जाऊंगा, मैं इंजॉय कर लूंगा वहां पर। लेकिन हाँ मेरा भी ये मानना है कि मुझे अभी इन इन टू डू लिस्ट में मेरी है कि मुझे आई हैव टू गो टू ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा मैं सबसे पहले इस साल। अच्छा, तो वहां जाके मतलब बैंकॉक से बोर हो गए इतनी बार जो जा चुके हो वहां पर? नहीं अभी खैर मेरे पासपोर्ट में ऐसा है नहीं, एक बार मैं चाइना जरूर गया हूँ, चाइना आई हैव बीन टू चाइना, वहां गया हूँ वो भी मुझे अच्छा सा लगा, लेकिन अभी मुझे उनसे थोड़ा सा आप देख लो आप चाइना गए और उसकी सजा पूरा देश भोग रहा है। बहुत साल पहले गया था भाई। एनीवेज चलो हम बात कर रहे हैं जी दोस्तों, आपका जो फेवरेट प्लेस है कोई ऐसी जगह जहाँ आप घूमना चाहते हैं तो हमें बताएं। और फिलहाल एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं, आपके लिए कॉल। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी कहाँ छुप गए? लगता है लोग आपकी हेलो सुनना चाहते हैं। हेलो नहीं हमारे बंदे की आवाज अच्छी है यार, ये हेलो बोलता है ना तो फिर देखो इतनी झूठी तारीफ कर रहे हैं। हेलो हाँ जी कहाँ चले गए? हेलो हाँ जी क्या नाम है आपका? हाँ जी नाम लगता है। हेलो हाँ जी क्या नाम है आपका? हेलो आवाज आ रही है जी मेरी? हाँ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पायल है। पायल कहाँ से बात कर रहे हो पायल? मैं भिवानी से बोल रही हूँ सर। भिवानी से बात कर रहे हो पायल, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो पायल? सर टेंथ में पढ़ती हूँ। टेंथ में पढ़ते हो, तो पढ़ाई कैसी चल रही है पायल आपकी? हाँ जी सर। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। अच्छा तो पायल बताओ कि आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? हाँ जी सर। आपकी फेवरेट जगह कौन सी है पायल, फेवरेट प्लेस? हेलो लगता है उनको हमारी वॉइस थोड़ा सा टीवी की तरफ ज्यादा वो देख रही थी इस वजह से नहीं हो पाया। आप लोगों से हम बार बार यही निवेदन करते हैं कि प्लीज जब भी आप लोग हमारे साथ जुड़े तो अपने टीवी का वॉल्यूम जो है कम कर दें, टीवी की आवाज को बिल्कुल कम कर दें, या फिर थोड़ी देर के लिए उसे स्विच ऑफ भी कर सकते हैं अगर आप कर सके तो, बिकॉज हमारा साउंड क्लियर नहीं आता। और जब तक हमारी आवाज एक दूसरे तक नहीं पहुंचेगी, हमारी आपके तक, आपकी हमारे तक, तो हमारे आइडियाज एक्सचेंज नहीं होंगे। फिलहाल एक और है, इनसे बात करता हूँ। हेलो हेलो जी कौन बात कर रहे हैं? हेलो हेलो सर जी हाय कौन बात कर रहे हैं, अपना नाम बताएं प्लीज। सर मेरा नाम काका है। काका ओके सर। काका जी क्या करते हैं आप? सर हम पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में? मैं 12th क्लास में हूँ। 12th क्लास में ओके। तो काका जी मुझे ये बताएं कि आपको घूमना पसंद है या घर पे रहना अच्छा लगता है? सर मेरे को तो घर पर रहना अच्छा लगता है। अरे वाह बहुत अच्छी बात है। और कहाँ से जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ, कहाँ से, कौन से शहर से बात कर रहे हैं? सर मैं जींद से बात कर रहा हूँ। ओके जींद से बात कर रहे हैं। ओके तो आपको घूमना फिरना बिल्कुल नहीं पसंद? नहीं सर मेरे को तो घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है सर। ओके तो घर पर रहकर क्या करते हैं सारा दिन काका जी? सर घर पर रहकर सर मैं पबजी खेलता हूँ सारा दिन। क्या करते हैं? पबजी खेलता हूँ सर मैं। ओह माय गुडनेस पबजी खेलते हो? ओके ये तो आपकी बिरादरी के मिल गई भाई। नहीं मैं तो पबजी खेलता नहीं, भाई बहुत खेलता है पबजी। हाँ तुम्हारा नंबर देना जरा, ये तुम्हारे साथ एक आधी गेम लगाएंगे। चलिए एनीवेज काका जी अच्छा लगा आपसे बात करकर, थैंक यू सो मच। ओके जीन से आई थिंक हमारे बड़े शरारती दर्शक थे, मुझे नहीं लगता इस तरह कोई नाम होता है, बट होता है कि कुछ दर्शक होते हैं हमारे बड़े शरारती होते हैं और अच्छा भी लगता है इस तरह के कुछ शरारते करते हैं तो नहीं, मेरा ये मानना है कि जिंदगी में थोड़ी बहुत नोटिनेस शरारते चलती रहनी चाहिए। हाँ अगर शरारते नहीं होंगी तो जिंदगी ना रुक सी जाएगी, है ना, थोड़ा मस्ती भी करनी चाहिए। भाई भी तो करता रहता यार ऐसे मुझे बैंकॉक पहुंचा दिया। बिल्कुल जाना चाहिए और खास जाना चाहिए बिल्कुल मैं मतलब सोचता हूँ कि कब मैं
जाऊं वहां पर आपकी तरह, मैं भी आपको बल्कि इतनी बार बोला भी मैंने कि आप नहीं, लेके जाऊं, बट आप लेके नहीं चलते। लेके जाऊंगा, मैंने प्रोड्यूसर को बोला है, बहुत सारे अपने पैसे इकट्ठे कर लें फिर बिल्कुल कोशिश करें। चलिए गाइस, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहें, अपने दिल की बात हमें बताना चाहें, तो अपना फोन उठाएं और नंबर घुमाएं जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, और हमें बताएं कि आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है। फिलहाल एक कॉलर है आपके लिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी नाम। हेलो, हाँ जी नाम क्या है आपका? नाम प्रियंका। प्रियंका कहाँ से बात कर रहे हो? हरियाणा। हरियाणा में कहाँ से प्रियंका? रोहतक। रोहतक से प्रियंका बात कर रहे हैं। तो प्रियंका बताओ कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हेलो, कौन सी क्लास में? हेलो प्रियंका, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लेंगे थोड़ा सा, आवाज कम कर लें अपने टीवी की, अपने टीवी की आवाज कम कर लें, आपकी साउंड हमारे तक क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हाँ जी, अब सही आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। हाँ, आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लें ना, टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर लें, फिर आएगी। हेलो सर, डिस्कनेक्ट हो गया। और हम हमारे दर्शकों से बार बार बोलते रहते हैं, अपील भी करते रहते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम हमेशा थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारे दर्शकों को बहुत चाव होता है कि अपनी आवाज़ टीवी पे सुनने का। तो बता देते हैं कि हमारे दर्शकों, जैसे ही आप हमें कॉल करते तो उसके 2 मिनट बाद ही आप वो आवाज़ टीवी पर सुन पाते हो अपनी। तो कृपया करके जब कॉल करें उस वक्त डाउन कर ले, उसके बाद जैसे आपकी कॉल डिस्कनेक्ट होगी तो आप वो अपनी आवाज़ टीवी पर सुन सकते हैं, क्योंकि 2 मिनट का गैप हमेशा ही रहता है। उसके अलावा हरियाणा बीट्स के जितने भी आप प्रोग्राम देखना चाहते हो, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हरियाणा बीट्स के सारे जो प्रोग्राम आपके जो फेवरेट हैं, चाहे आपको फेवरेट आर्टिस्ट से रिलेटेड प्रोग्राम है, सारे इंटरव्यूज हैं, तो और भी प्रोग्राम हरियाणा बीट्स के यूट्यूब पेज पर डालते रहते हैं अक्सर, जी वो जी, देख सकते हैं आप। एक कॉलर है, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, हां सर जी, कौन बात कर रहे हैं? रजत बोल रहा हूं सर। ओके रजत, रजत आप हमें बताएं कि आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है घूमने के लिए? फेवरेट आगरा जाता हूँ सर। आगरा जाते हो, कितनी बार जा चुके हो आगरा? सर आगरा मैं 5 बार जा चुका हूँ सर। ओके, तो आगरा में सबसे अच्छा क्या लगा आपको? सबसे अच्छा लगा सर मेरे को ताजमहल। ताजमहल, ओके, ताजमहल में ऐसी क्या खास बात है जो आपको बहुत पसंद है? यस सर। ऐसी क्या चीज है ताजमहल में, ऐसी क्या खास बात जो आपको बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई? सर मैं सांस लेता हूं ना, वो पिंक हो जाता है सर। क्या कह रहे हो? शाम को जब आप ताजमहल को देखते हो वो पिंक हो जाता है, वो आपको अच्छा लगता है? हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम भी अपने दर्शकों को कहेंगे आप भी जाइए ताजमहल घूम के आइए। कहाँ से जुड़े हैं आप हमारे साथ रजत, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं बैंगलोर बोल रहा हूँ। ओके चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, धन्यवाद, आगे भी जुड़े रहिएगा। तो ये थे हमारे साथ जुड़े एक और कॉलर। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहें और बताना चाहें कि आपके फेवरेट प्लेसेस कौन से हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आपको घूमना पसंद है, या फिर आप घूम कर आए हैं और आप हमें सजेस्ट करें कि आप यहां पे घूमने जा सकते हैं, है ना? बिल्कुल गौरव, और सच्ची बताओ तो मुझे पहली बार एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली कि ताजमहल की शाम को पिंक कलर का देखता, मुझे सच में नहीं पता था, तो मेरी तरह काफी दर्शकों को पता चला भाई, भाई की शादी होगी तो भाई फिर भाभी के साथ जाएगा देखने। बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि वो प्यार का एक प्रतीक भी है, और कहते हैं कि वहां पर जाओगे तो थोड़ा सा प्यार बढ़ेगा ही, जाना भी चाहिए, कुंवारों को भी जाना चाहिए, क्योंकि वो भी प्यार की अहमियत वो समझेंगे हर इंसान को। एक्चुअली मुझे लगता है कि चीजों को घूम कर देखना चाहिए, और हमारे इंडिया में आपको सच्ची बताऊं कि इंडिया में इतनी खूबसूरत चीजें हैं जो हम शायद बाहर ना भी जाएं तो भी यहाँ देख सकते हैं। इतने हिस्टोरिकल प्लेसेस, इतनी जगहें, जब हम अगर हम देखना चाहें तो मुझे लगता है 1-1.5 साल तो हम इंडिया को ही नहीं घूम पाएंगे अच्छे से, है ना, चाहे वो कहीं भी हो, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर जगह कुछ ना कुछ खासियत है हमारे देश में। तो चलिए, और बातें हमारी अभी जारी रहेंगी, और अभी लेकिन जो घड़ी की टिकटिक है वो यही कह रही है कि हमें जाना होगा, तो अब जाने का वक्त हमारा हो चुका है जी। लेकिन जाने से पहले हमेशा मैं कहता हूं कि प्लीज दिन में एक अच्छा काम जरूर करें, ताकि रात को सोते हुए नींद अच्छे से आ सके। तो अब कल फिर मिलेंगे जी, सेम टाइमिंग सेम प्लेस सेम बंदे होंगे हम, हो सकता है भाई के साथ कोई और आ जाए, मैं शायद ना हूं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों ही हूं।
बिल्कुल, और जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगर आज के प्रोग्राम में आप भी बताना चाहते हैं आपका कौन सा फेवरेट प्लेस है, तो आप हरियाणा बीट्स के फेसबुक पेज पर जाकर कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि वो सारी जो बातें आपकी आज की छूट गई हैं, तो कोशिश करेंगे कल के प्रोग्राम में वो सारी बातें हम शामिल करें और उनका जिक्र जरूर करें। जी गुरु जी, तब तक के लिए धन्यवाद। कितनी सारी बातें होती है ना जिनका शायद हम जिक्र भी ना कर पाए, और आज के टाइम पे किसी के पास समय कहाँ। लेकिन आप फिकर ना करें, क्योंकि हम लेकर आए हैं ऑल टाइम आपका फेवरेट शो, आओ बातें करें। बातें जो है आपके और मेरे दिल के बेहद करीब। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें करने के लिए जुड़िए हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में। तो कॉल करने के लिए नंबर डायल करें 01724784401। राम राम, राम।